हैदराबाद से राजनाम बात करते हैं, जहां पर नहरों की सफाई माजी की तरह इस साल भी कागजों की हद तक महदूद हो चुकी है। सूरत हाल क्या है, अदील रजा अब्बासी से जानते हैं। अदील, क्या बताएंगे आप इस हवाले से? आज बिल्कुल हर साल की तरह इस साल भी जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भल सफाई के नाम पर जो है पानी की जो है वो बंदी जो है वो 20 रोज़ा बंदी जो है वो हैदराबाद में कर दी गई है। आपको ये बताते चलें कि हर साल जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से वासा की जानिब से भल सफाई के नाम पर बंदिश तो कर दी जाती है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी हमने जो है कि अब तक किसी भी किस्म का कोई सफाई के नाम पर काम होता हुआ जो है कि वो हमें नहरों पर नज़र नहीं आया है। इसी हवाले से जो है कि हमारे साथ जो है कि यहाँ पे मकामी MPA जो है नासिर हुसैन कुरैशी साहब वो भी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। नासिर साहब, आपका क्या कहना है इस हवाले से कि हर साल भल सफाई के नाम पर जो है कि पानी की बंदिश तो कर दी जाती है, लेकिन किसी भी किस्म का कोई काम जो है वो हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से या दूसरे जो मुतल्लिका महकमे उनकी जानिब से होता हुआ दिखाई नहीं देता, तो इस जानिब आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आप ये खुद भी देख सकते हैं कि नहरों की क्या हालत है। यहाँ पर इरिगेशन का जो डिपार्टमेंट है, गुज़िश्ता 3 बरस से तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, मैं 2018 से जब से MPA बना और उससे पहले भी यहाँ पर नहरों का पानी रोक दिया जाता सफाई के नाम पर, लेकिन आज तक यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर या किसी भी एक नहर की सफाई नहीं हुई, जिसकी मुँह बोलता सबूत ये यहाँ पर जानवर मरे हुए हैं। यहाँ पर आप ये देखें गंदा पानी आ रहा, और इसके साथ साथ साइड एरियाज में और इन्हीं नहर के किनारों पर अगर देखा जाए तो फैक्ट्रियाँ, उसका जो केमिकल्स वगैरह और जो पानी वगैरह आता वो भी नहर में आता है, जिसकी वजह से काफ़ी जानी नुकसान भी होता है। आगे चल के ये पानी लोग बागों के घरों में भी जा रहा, पी भी रहे, लेकिन यहाँ पर जो इरीगेशन का डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल नाहली, और जिसको जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, जिसके बतौर ये पानी बंद किया जाता और पानी बंद करके बताया जाता कि सफाई हो गई। आप ये जो इनका टाइम पूरा होगा तो पानी छोड़ दिया जाएगा, ना अभी तक यहाँ पर कोई सफाई हुई, ना सफाई का कोई नाम, ना तक यहाँ तक के कोई इरिगेशन का कोई ऑफिसर या पट्टे वाला भी इसको देखने आया है कि यार नहर के अंदर कितना गंद है। आपके अगर कैमरामैन दिखाए तो आप ये देख लें, कालीमोरी का पुल है, लियाकत कॉलोनी और फुलेरी का पुल, इधर तीनों पर देख लें जानवर मरे हुए हैं और कचरा देखें कितना मौजूद है। यहाँ पर इरिगेशन का जो भी डिपार्टमेंट है, सफाई के नाम पर अरबों खरबों रुपया बजट रखा जाता है लेकिन सफाई नहीं होती है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना नासिर साहब का भी यही कहना है कि बजट तो रखा जाता है, एक मखसूस रकम जो है वो हर साल जो है वो भल सफाई के नाम पर रखी जाती है, लेकिन ताहाल किसी भी किस्म का कोई अमला जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट का हमें जो है वो ये काम करता हुआ दिखाई नहीं देता। बहुत शुक्रिया आपका।